कोरोना संकट से निपटने के लिए हुए लॉकडाउन में दिहाड़ी मजदूरों, दुकानदारों और गरीबों की रोजी रोटी छीन ली है। उनके सामने उत्पन्न भोजन की समस्या के समाधान के लिए कई समाजसेवी संगठन भी मदद के लिए आगे आए हैं। उनमें से एक स्वच्छ भारत अभियान रंगापारा नामक संगठन लॉकडाउन के बाद से ही रंगापारा अंचल के आसपास के इलाकों में ऐसे परिवारों को निःशुल्क भोजन खिलाते हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। पवन चौधरी के नेतृत्व और कमलेश पांडे, असीम डेका के देखरेख में खाना खिलाते रहे हैं। न्यूज़ के माध्यम से सभी लोगों से वे लोग अपील कर रहे हैं कि जो लोग सक्षम हैं वो लोग भी अपने आसपास के अंचलों में इस तरह की मदद करें। नमस्ते, हम लोगों का एक प्रोग्राम एक अप्रैल से चला रहे हैं जो कि गरीब बच्चों और दुखिया सहाय लोगों के लिए है। और हम लोग रोजाना के 200 से 250 लोगों को खाना खिलाते हैं जो रंगापुरा के अलग अलग जगहों में घूम घूम के खाना खिलाते हैं। और ये सब करने में हम लोग सबसे बड़ा असीम डेका और कमलेश पांडे सर जी का है जिन्होंने हम लोग को सबसे बड़ा सपोर्ट किया और हमारे टीम मेंबर्स का जिनकी वजह से इतना हम लोग का ये प्रोग्राम सफल हो पाया है। और मैं आप लोग से एक कामना करता हूँ कि आप लोग भी हम लोग का ये प्रोग्राम देखे और देखे अपने इलाके में जितने गरीब और दुखिया लोग उन लोगों को मदद करे ताकि कोई भूखा ना रह जाए इस लॉकडाउन।